हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही झटपट टेस्टी यमी ब्रेकफास्ट रेसिपी, नारियल की पूरी। बहुत ही इजी नाश्ते की रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने पहले स्टफिंग के लिए जो है 150 ग्राम फ्रेश नारियल लिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो बारीक काट सकते हैं, मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जीरा, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। अगला इंग्रेडिएंट है 2 हरी मिर्च, अदरख में यहाँ पे लिया है 1/2 इंच, 1 बड़ा बाउल हरा धनिया, नमक हम यहाँ लेंगे स्वाद अनुसार। तो अब हम इसे दरदरा पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए रेडी है हमारा स्टफिंग, नारियल की स्टफिंग तैयार है। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल इस तरह से आपको रेडी करना है। तो अब अगला प्रोसेस है, 1 बाउल में मैंने जो है करीबन 100 ग्राम गेहूं का आटा लिया हुआ है। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो डबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम सूजी, 50 ग्राम मैदा। अब अगला इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी, ये है अजवाइन 1 छोटा चम्मच। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डालने वाली हूँ, 1/2 चम्मच, और 2 चम्मच हम तेल ऐड करेंगे। तो अब करीबन जो है 1 गिलास पानी मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले इसे ड्राई मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ड्राई मिक्स हो चुका है। अब हम जो है स्टेप वाइज पानी डालकर इसे गूंद लेते हैं। जैसे मैं हर बार कहती हूँ वीडियो में, एक साथ पानी नहीं डालना है, तो हमें जो है हमारा बैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो जो है ख़राब भी हो सकती है। तो बिल्कुल स्लोली स्टेप वाइज पानी ऐड कीजिए। और आटा जो है थोड़ा पूरी जो बेलते हैं हम, बिल्कुल उसी जो है कंसिस्टेंसी, और थोड़ा सा आपको जो है घट ही रहना बेटर रहेगा, ज़्यादा पतला ना कीजिएगा। और देखो हाथों में तेल लगाकर अब मैं इसे एक अच्छे से बाइंड कर लेती हूँ। तो बाइंड कर लेना है। तो देखिए हमारा सॉफ्ट डो तैयार है, बनकर तैयार है। तो अब हम इसे ढककर करीबन 5 से 6 मिनट जो है रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 गिलास पानी यूज़ हो चुका है। तो आफ्टर 5 to 6 मिनट्स डो तैयार है। तो अब हम इसकी जो है छोटी छोटी लोई बनाकर पूरी बनाना शुरू करते हैं। तो प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो अब हम जो है इसे छोटे छोटे पूरी का शेप देते हैं। तो जैसे हर वीडियो में जब स्टफिंग रहता है तो मैं हर बार यही कहती हूँ कि स्टफिंग जो है थोड़ा ध्यान से ही भरिएगा। तो देखिए आपको थिकनेस बिल्कुल इतनी ही रखनी है, ज़्यादा पतली पूरी नहीं करनी है। तो स्टफिंग अब हम ऐड करेंगे इसमें। तो ये फ्रेश नारियल है, तो फ्रेश नारियल प्रेफरेबल है। तो अगर आप सूखा लेंगे तो भी अच्छी बनेगी, लेकिन टेस्ट जो है फ्रेश नारियल से ज़्यादा जो है बेस्ट आता है। तो देखिए अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके हल्के हाथों से प्रेस करके एक थोड़ा बेल देंगे। तो चलिए इसे आटा जो है छिड़क कर बेल लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, देखिए मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं कोशिश रहता है कि जो वीडियो में मैं एडिटिंग जो है बिल्कुल भी ना करूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा पहली पूरी जो मैंने बनाई वो थोड़ी सी बिगड़ गई। तो देखिए अब थोड़ा सा अगली बार हम ये ध्यान रखेंगे। तो गलती होना इज़ ओके, बट बिल्कुल जो है स्टेप वाइज फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए स्टफिंग थोड़ा कम भरते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ, मैं स्टफिंग मैंने कम कर दिया है। तो उसे फिर से फोल्ड करके बेल लेना है। तो सारी पूरियाँ बिल्कुल इसी तरह से बेलनी है और ज़्यादा पतली नहीं बनानी है। तो देखिए थिक ही रखना है। देखिए तैयार हो गई हमारी सारी पूरियाँ, तो सक्सेस। तो चलिए अब हम इसे तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रीहीट कर लिया था ऑयल को, तो धीमी आंच पर ही आपको फ्राइंग प्रोसेस करना है। तो धीमी आंच पर और बिल्कुल सावधानी से जो है आप फ्राइंग कीजिएगा। पहली बार भी बना रहे हैं तो आप बिल्कुल स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो आप आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक करना है आपको। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी पूरी नारियल की सारी आप देखिए दूसरे वाला भी मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे फ्राई करना है, तो गोल्डन ब्राउन होने तक। तो सारी पूरियाँ बनकर तैयार हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट है और अंदर से बहुत ही मॉइस्ट है, और स्टफिंग जो है जो थोड़ा सा यूनिक है और हमारी पूरी को बहुत ही अलग टेस्ट देता है। तो बढ़िया टिफ़िन ऑप्शन है नारियल की पूरी। अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं और जल्दी ट्राई करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है। और अगर आप पहली बार भी बना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी क्विक इजी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।